सरिता जी है हमारे साथ, दिल्ली से हैं और बिजनेस वुमन हैं और उनका खुद का प्रॉपर्टी का और सारा कामकाज है, बिल्डिंग लाइन से हैं, तो इनसे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। सरिता जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? वीडियो ऑन रखिए आप। यस सर, हाँ जी ऑन है। सबसे पहले तो आप इन सारे बच्चों को, आपका नाम भी बहुत सारे बच्चे जब जब एप्लीकेशन में कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको क्लासेस में, बच्चे देखते हैं कि आप रेगुलर बेसिस पे एक्टिव रहते हैं, कई बार आप हैंड रेस करके भी पूछते हैं, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। दिल्ली में रहती हूँ सर मैं, आई एम 39 इयर्स ओल्ड और बेसिकली तो मैं राजस्थान से हूँ। ओके, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से? सर ये है तो नोहर भादरा, पर मेरे पेरेंट्स वगैरह तो जयपुर रहते हैं। ब्रदर नोहर मतलब बीकानेर? नहीं नहीं नोहर भादरा गंगानगर के पास। गंगानगर के पास नोहर, ठीक है ठीक है। और जयपुर में रहते हैं आपके पेरेंट्स? सो हाउ यू फील, कैसा लग रहा है आपको क्लासेस में? सर अच्छा है, काफी अच्छा है, गुड। मैंने यूट्यूब पे देखा था एड कॉमर्स सबकी, तो मैंने और भी काफी देखी थी, बट मुझे जो इसमें आप लोगों actually, ने एक्चुअली वी हैव टू ब्रांड्स, एक्चुअली वी हैव टू ब्रांड बेसिकली कॉमर्स हब एंड कॉमर्स क्वेस्ट, ये दोनों हमारे ब्रांड है। अभी जैसे हमारा जो एप्लीकेशन है कॉमर्स क्वेस्ट से है, और राइट नाउ वी आर रनिंग ऑफलाइन और क्लासरूम, जो हमारे जो सेंटर्स हैं वो उदयपुर में है राइट नाउ, उदयपुर में एक सेंटर और आ रहा है, और उसके अलावा हमारा जो हमारे सेंटर है पंजाब में होशियारपुर में, होशियारपुर में एक सेंटर और हमारा आ रहा है, और जलंधर में हमारा सेंटर हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, अमृतसर में ऑलरेडी है, और चंडीगढ़ में भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, हमारा ऑलमोस्ट लाइजनिंग कम्प्लीट हो गया है। सो अब आप बताइए कि जैसे आप पढ़ते हैं, ठीक है, आप कई सारी क्वेरी मुझसे पर्सनली भी पूछते हैं, कई बार आपको क्वेरी होती है, तो जैसे आपका अब तक का कैसा रहा है एक्सपीरियंस? अच्छा है सर, काफी अच्छा है, गुड। मुझे कुछ से प्रॉब्लम होती है तो हिमांशु सर भी काफी हेल्प करते हैं, मैं काफी उनसे भी पूछ लेती हूँ, मुझे कुछ दिक्कत होती है तो आप भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। तो मैंने स्टार्टिंग में यूट्यूब पे ही देखा था, जो जो एक कॉम्बिनेशन था वो आपके अलावा, मतलब मैंने यूट्यूब पे काफी सारे चैनल सर्च आउट करे थे कोचिंग के लिए, तो मुझे इसमें जो ई अकाउंटिंग का आ रहा था, जो चल रहा था एप्लीकेशन, तो मुझे वो ही सबसे अच्छा लगा, इसलिए मैंने लिया कि मतलब इसमें सब चीज आप लोगों ने की हुई थी कवर, बैंकिंग भी, जीएसटी भी, तो वो सब सीखना था। तो आपको लगता है कि जैसे आप फ्यूचर में कभी कोई बैंकिंग के एग्जाम, अगर किसी भी तरीके का कोई एग्जाम देना हो आपको, जैसे आप अभी बैंकिंग के मॉड्यूल में भी हैं, आप जीएसटी भी पढ़ रहे हैं, जीएसटी में जैसे एक एग्जाम होता है गवर्नमेंट का जीएसटीपी प्रैक्टिशनर का, तो ये एग्जाम अगर आप देते हैं इन सारी नॉलेज से, तो आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं। उसमें से प्रैक्टिकल कितना होता है आपको? जैसे कई बार बच्चे हमसे जब इंक्वायरी आती है, बोलते हैं कि सारे इंस्टीट्यूट बोलते हैं या सारे कॉलेजेस बोलते हैं कि हम आपको प्रैक्टिकल स्टडी देंगे, लेकिन वो मैक्सिमम चीजें थ्योरी ही डिस्कस करते हैं, तो हम जो ये ऑनलाइन मोड पे भी जैसे आप क्लासेस लेते हैं बहुत सारी, इसमें आपको काफी सारी चीजें क्या प्रैक्टिकल भी नजर आती है, या प्रैक्टिकल है या थ्योरी है, या डेली आगे फ्यूचर में कभी आप अकाउंटिंग या फाइनेंस सेक्टर में जाएंगे तो आपको हेल्पफुल रहेगी? हाँ श्योर सर, रहेगी। एक्चुअली मेरा पर्पस था कि जैसे मेरे हस्बैंड का बिजनेस है, तो मुझे था कि वो मुझे कहते हैं कि अकाउंट्स वगैरह तू देखा कर, तो वो जो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग है और जो ये है, मतलब डिफरेंट है काफी, ये आपने भी कहा था कि जो आप पढ़ रहे हैं और जो आप करते हैं वो काफी डिफरेंट होता है, मतलब उसके बेस पे बहुत थोड़ा टफ होता है करना, बट हाँ कुछ आ रहा है अब, मतलब समझ पाती हूँ मैं चीजों को। अच्छा, धीरे 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 आपको सारी चीजें समझ आ रही है। जीएसटी में लेके जब आपने ज्वाइन किया था उससे पहले और अब में कुछ चेंजेस आया आप में कि आपको चीजें समझ में आने लगी? यस सर, पहले तो कुछ पता ही नहीं था, जीएसटी का सिर्फ नाम सुना था, क्या प्रोसेस होता है, कैसे हम उसको कर सकते हैं, तो अब नॉलेज है, काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा, कितना टाइम हुआ आपको ज्वाइन किए हुए? सर 15 जैन को किया था, वन एंड हाफ मंथ में आप अपने आप को किसी लेवल पर अब पा रहे हैं कि हाँ मैंने अपने आप को काफी नॉलेजेबल बनाया है? यस सर, अब जीएसटी का किसी का देखना होता है तो एटलीस्ट मुझे दे देते हैं नंबर, कहते हैं चेक कर दो हमारा, मतलब हमारे फैमिली में है, जैसे बड़े ब्रदर हैं उनका भी बिजनेस है, तो वो भी मुझे कह रहे थे कि हाँ आपको दूंगा मैं पासवर्ड आईडी, तो चेक करके बताना। अच्छा, आप जैसे गलत तो नहीं किया हुआ?
हाँ, आप जैसे दिल्ली में बैठे हुए हैं राइट, दिल्ली से आप सारी क्लासेस लगाते हैं, हम लोग राजस्थान से अभी ऑपरेट कर रहे हैं, पंजाब से ऑपरेट करते हैं, हमारी क्लासेस होती है। तो आपको जब आप क्लासेस लगाते हैं आपको कहीं फील होता है कि मेरी जो डिस्टेंस है वो 600-700 किलोमीटर फार हूं मैं, और इनमें मुझे बिल्कुल ऐसा आपको कभी फील होता है कि आप बिल्कुल दूर हैं टीचर लोगों से? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होता सर, क्योंकि सारी फैसिलिटी है, आप समझाते ही बहुत अच्छी तरह, और कुछ क्वेरीज होती हैं तो आई कैन कॉल एनी टाइम। ओके सो इट्स वेरी हेल्पफुल। सो ओवरऑल आप सेटिस्फाइड हैं है ना? हाँ, बस सुबह की टाइमिंग सर थोड़ी जल्दी कर दी, जो 10 o'clock था ना उस टाइम मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, तो मुझे वो थोड़ा सा वो लगता है कि मुझे दोबारा वो क्लास लगानी पड़ती है वीडियो। तो इसका, इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपके लिए एक ऑप्शन तो है कि आप वीडियो लगा सकते हो। यस, वीडियो रिकॉर्डिंग हेल्पफुल है, मैं रात को बैठ के फिर नोट्स बनाती हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा, जब आप कभी कोई प्रैक्टिकल कर रहे होते हो और आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप टीचर को मैसेज भी करते हैं, मुझे भी करते हैं आप मैसेज, मैम को भी करते होंगे या कुछ, या कॉल भी कर लेते हैं, तो आपको वहाँ पर सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है, या आपका मैसेज दो दो दिन तक रीड नहीं होता है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं डेफिनेटली सर, आप तो बिल्कुल सेम टाइम, मतलब फोन भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं पिक किया हो, एवरी टाइम आप फोन भी पिक करते हैं, और हिमांशु सर भी एवरी टाइम आंसर देते हैं। चलो अच्छी बात है, मतलब आप ओवरऑल हमारी जो टेक्निकल सपोर्ट है उससे भी खुश हैं टीम से। यस यस, आई एम टोटली हैप्पी सर, एंड चलिए अच्छी बात, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच।